अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। बहुत दिनों बाद मैं अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मैंने शॉर्ट्स ऐड किए हुए थे, मगर मैं लॉन्ग वीडियो कुछ ऐसा नहीं लेकर आ रही थी, तो मैं आज के साथ मैं अपना मंथली क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो मैं कैसे अपनी किचन को दो महीने में एक बार मैं क्लीन करती हूँ, इसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए यहाँ से मैं आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करने वाली हूँ और कितना गंदा गंदा सा। वैसे भी उतना गंदा सा नहीं रहता, मगर फिर भी मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो ये रहा, ये सारा कुछ मुझे निकाल कर इसको इधर रख के मुझे क्लीन करना है। सारी शेल्फें और ऊपर के कबर्ड्स भी मुझे क्लीन करने पड़ते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ से शुरू कर दी, आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आ गई मैं सफाई क्लीन करना है। यहाँ पे मैं थ्री थोड़ा में एक बार या दो ग्लास एक बार उसको मैं पहले से स्प्रे कर बटे ताकि ऊपर का हिस्सा इस तरह से मास पड़ के माइक्रोफाइबर कॉटन शुरू करना है। इसको आपको क्लीन कर देने के देखिए कितना सा गंदा सा निकल रहा है। तो इस तक चलिए, इसके बाद में आपको क्लीन कर लेना है। इसको मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। इसके बाद मैं आपको एक ग्लास क्लीन करने का आपको एक नया ट्रिक दिखाऊंगी, जिसे मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा इधर क्लीन करने के बाद आप देखेंगे कि मैं किस तरह से ग्लास क्लीन करती हूँ। यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर लिया हुआ है, न्यूज़पेपर से इसको अच्छे से वाइप करना है। देखिए इतना अच्छा सा शाइनिंग आ जाएगा ग्लास पे। तो इस तरह से मैं ग्लास क्लीनिंग करती हूँ। अगर चाहो तो आप कॉटन का कपड़ा या पुरानी बनियान भी ले सकते हैं। और इस इतने बड़े ऊपर वाले शेल्फ को मैं इस तरह से वाइपर में एक क्लॉथ को अटैच कर लूँगी और इस तरह से इसको पोंछ दूँगी। मैंने पहले ही इसको क्लीनर से स्प्रे कर दिया था, तो ये यहाँ पे नहीं किया था, तो यहाँ पे करके इस तरह से कर रही हूँ। तो लंच में मैंने डोसा डाला था, ये देखिए कितना प्यारा सा डोसा। और ये रहा सांभर, तो सांभर मैंने सुबह में बनाया था। तो डोसा यहाँ पे हम लंच कर लें, थोड़ी चटनी थी वो ही इसको मिक्स करके हम खा लें। ये रहा मेरा लंच का प्लेट, बहुत कम डिलीशियस सा डोसा और दे चटनी और सांभर। आप भी आ जाइए, लंच कर लेंगे टेस्टी टेस्टी सांभर और डोसा। तो चलिए लंच खा लेते हैं, आप भी खाइए। ले लीजिए एक निवाला आपके लिए, इसमें लाया। तो लंच हो गया। अब मैं यहाँ पे पूरी सारे सामान को इस डब्बों को मैं निकाल लूँगी। और ये शेल्फ वाला भी मैंने ऊपर का क्लीन कर चुकी थी, तो मैंने उसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। तो यहाँ का मैं इसे क्लीन कर लूँगी। Thank you.
तो यहाँ भी मैं क्लीन कर लेंगी अच्छे से, इसको मैं भी वाइप करने वाली हूँ। ये टाइल्स जो है किचन में, इसका भी हमें ऐसे अच्छे से वाइप करने से इसको भी शाइन आ जाएगा। अब यहाँ की मैंने कॉर्नर लिया हुआ है, यहाँ का भी मैं इसको निकाल लूँगी। मेरे जो चॉपिंग बोर्ड्स थे, ट्रे थे, यहाँ पे मैं डेली यूज़ के लिए रख लेती हूँ ताकि इजी से अवेलेबल है। ये कुछ बुक्स थी जो मैं अपने मील प्लान या कुछ भी कर लिखने के लिए मैं रखती हूँ। ये मेरा ये कुछ डेस्क था, तो मैं इसको भी अच्छे से वाइप कर लूँगी। यहाँ पे देखिए कितना डस्ट जम जाता है एक महीने में ही या दो महीनों में भी, कितना सारा डस्ट यहाँ पे कलेक्ट होता है। वैसे मैं हर हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, फिर भी इतना डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाता है। आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है क्या? आपको भी डस्ट जितना भी क्लीन करो वापस वैसे ही जम जाता है? तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी क्लीनिंग की वीडियो कैसे लगी, और अच्छे और कुछ भी आप मेरे रूटीन शेप देखना चाहते हैं तो मैं आपको शेयर करूंगी, और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। तो थोड़ा मैं यहाँ पे माइक्रोवेव भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये देखिए ये भी कितना सा डस्ट जमा हो चुका है, और इसको भी मैं घर ना क्लीन करते करते कितना भी करें मेंटेनेंस रहना ही चाहिए, वरना डस्ट जम जाता है और अच्छे से क्लीन भी रहने नहीं दिखता घर। अच्छे से क्लीन रहने स्टाइल अब किसको पसंद नहीं है? मुझे तो क्लीन करना पसंद है, मगर इतना डस्ट क्यों आता है पता नहीं, और ये सबके साथ ऐसा ही होता है तो बिल्कुल सही। ये देखिए ये भी कितना पीछे की ओर, कितना इस तरह ना घर के अप्लायंसेस को क्लीन रखने से ये मेंटेनेंस भी रहते हैं, और अच्छे से आपको मतलब ये पूरा क्लीन करने से इसका लाइफ शेल्फ लाइफ भी अच्छे से आ जाती है। और मैं यहाँ पे चुन्नी भी इस तरह इसको क्लीन कर लूँगी ताकि ये भी अच्छे। वैसे तो मैं चुन्नी क्लीन करने का एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो ही मैंने डाला था, आप वहाँ पे चेक कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे भी अपने किचन के इस तरफ देखी, इसको मैंने यहाँ पे ये विंडो जो है इसको भी मुझे क्लीन करना पड़ता है। यहाँ का सारा मैंने क्लीन कर दिया था तो आपको बता रही हूँ कितना क्लीन और टाइड अप दिख रहा है। ये देखिए इसकी शेल्फ यहाँ पे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ, और ये कितनी अच्छे से क्लीन हो गया है। अब मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पे अच्छे से वन पॉट कुछ बनाने वाली हूँ, आपको बताऊँगी सभी। यहाँ पे मैंने तेल रिफ़िल किया है, तेल रिफ़िल करने की शाम हो गई थी, मैंने इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया था। 5 बजे के करीब मेरा काम सारा हो चुका था, मुझे 3 मिनट लग गए इस पूरी किचन को क्लीन करने में। और अभी मैं शाम के 6:30 बज रहे होंगे शायद, मैंने बीच में थोड़ा सा रेस्ट करके आ गई थी अभी डिनर की तैयारी करने के लिए। आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा सारा मैंने क्लीन से, इस शेल्फ को भी मैंने अच्छे से वॉश करके अच्छे से रख दिया था। तो चलिए आज मैं आपको अपनी डिनर रेसिपी शेयर कर दूँगी। यहाँ पे मैंने ये तेल की बर्नी है, मैं इसको अलादा ही रखती हूँ, तो वो भी मैंने वॉश करके इसमें रख दिया है। तो चलिए अभी मैं आपको डिनर की रेसिपी शेयर करूँगी। सारी चीज़ें एक साथ एक जगह रखना बहुत अच्छा लगता है, और मैं यहाँ पे वन पॉट का मैं कुछ बनाने वाली हूँ, तो ज़रूर देखिएगा टिल एंड तक मेरी चैनल पर बने रहेगा। अब तक वॉच करने के लिए थैंक यू फॉर
इतना सपोर्ट मुझे देने के लिए। बहुत दिनों बाद मैं आई थी अपने लॉन्ग वीडियो के साथ। मैंने यहाँ 2 टमाटर और 2 प्याज लिए हुए हैं। मैं कुछ टमाटो भात या कुछ बनाने वाली हूँ तो बहुत अच्छी सी बन जाती है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून तेल और साबुत मसाले ऐड किए हैं। छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और तेज पत्ता मैंने यहाँ पे सौटे करने के लिए रख छोड़ी हूँ। इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें प्याज। प्याज ऐड कर देना है, 2 मैंने निकाल के रखी थी वही मैंने प्याज, और 2 हरी मिर्च को डाल के मैं इसे अच्छे से तल लूँगी। अब यहाँ पे मैं हरा धनिया की चटनी और पुदीने की चटनी भी आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने हरा धनिया, लहसुन और हरी मिर्च डाल के मैंने जार में रख दिया था। तो अब थोड़ी सी मूंग दाल डाल रही हूँ। तो मूंग दाल और टमाटो की खिचड़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पुदीना ऐड किया हुआ है। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। ये देखिए मैंने 2 टमाटर अच्छे से कट करके, थोड़ा फाइन नहीं चॉप करना है, थोड़ा सा नॉर्मल कट करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे जी अदरक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और चावल जितने आप डाल रहे हो। मैंने यहाँ पे 700 ग्राम्स मैंने चावल लिए हुए थे। तो आपको ये रेसिपी अगर देखना चाहते हैं तो मेरे मेरा जो कुकिंग चैनल है माय किचन माय फूड, आप वहाँ पे जाकर मूंग दाल की खिचड़ी का टाइप कर दें तो आपको मेरी इस रेसिपी डिटेल रेसिपी मिल जाएगी। तो ये हरा धनिया की क्यूब है मैं बनाकर रखती हूँ, और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। आपको वहाँ पे डिटेल सी रेसिपी मिल जाएगी। और मैं वहाँ पे बहुत सारी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। अगर आपने मेरे वो चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे ज़रूर चेक कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना किस किस ने मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे हल्दी डाल दी है 1 टीस्पून के करीब। ज़रूर बनाएगा, ये बहुत अच्छी सी खिचड़ी बन जाती है और इसका टेस्ट चटनी और पुदीने की चटनी में बहुत अच्छा सा, और दही का रायता भी इसके साथ अच्छा चल जाएगा। अगर आपने मेरे उस चैनल को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देखना ज़रूर, और इस चैनल को भी लाइक कर देना। ये मैंने चावल सोख करके रखे थे, मैं उसी में उसी का पानी ऐड कर दूँगी। और चावल में पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने उसको थोड़ा निकाल लिया था। तो यहाँ पे मैंने चावल ऐड कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे सारे चावल डाल के। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर है। आप भी ज़रूर बनाएगा ज़रूर। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करके और कमेंट करके बताना। और क्या कहना, इस खिचड़ी के बहुत अच्छी जल्दी बन जाती है। हम इसको मिक्स कर लेंगे। 1 वाटर पॉट में आपको 30 मिनट्स लग जाएंगे इसको पकाने में। तो आप कुकर में बना रहे हैं तो मैक्सिमम 30 मिनट्स आपका हो जाएगा डिनर बनके। और किस किस को ऐसी खिचड़ी पसंद है, ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल ली हूँ। 1 निवाला मैंने खा लिया था और उसके साथ पापड़, और ये रही खिचड़ी, पापड़ और अचार, और ये पुदीने की चटनी। थैंक यू फॉर Wow. Yeah.